कार्तिक माह की पहली कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, तो वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें दो फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले गया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते थे कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो वह बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके दो फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम दो लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। कार्तिक माह की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी सात बहुएं थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी। सात में से छह बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती।
धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और उसने धोती दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी। लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक वह यह घर में रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में गिर गया कि ऐसे कैसा होगा और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी अब आपको क्या चिंता है। बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया, भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि यह उदासी क्यों, सब ठीक ठाक निपट गया ना। वह बोला कि हाँ सब निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियाँ बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मीठी डाल गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूँगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती हैं वह सब हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं, पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है, साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीज़ें देखकर बोला कि तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी महुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। कार्तिक माह की तीसरी कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसकी एक पुत्रवधू भी थी। कार्तिक का महीना आता तो वह बुढ़िया 12 कोस नहाने जाती, लेकिन उसकी बहू वहीं पतीले में पानी डालकर कहती कि मन चंगा तो कटोटी में गंगा, और गंगा जी उसके लिए वहीं आ जाती। वह उस गंगा में अपनी कार्तिक नहान कर लेती। एक बार
कार्तिक नहाते हुए सास की नथ बह गई और बह कर बहू के नहाने वाले पतीले में आ गई और उसने वह उठाकर रख ली। सास घर वापस आई तो उदास थी कि उसकी नथ बह गई। बहू ने सास को उदास देखकर पूछा कि आप उदास क्यों हो? सास ने कहा कि मेरी नथ गंगा जी में बह गई है। बहू ने कहा कि अच्छा, वह नथ, वह तो मेरे पास है। सास ने पूछा कि वह तुम्हारे पास है कैसे? बहू ने कहा कि सासू जी, आप तो 12 कोस कार्तिक नहाने जाती हो, मैं तो यही कठड़े में पानी डालकर कहती हूँ कि मन चंगा तो कटोटी में गंगा, और गंगा जी बहकर मेरे पास आ जाती है जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ। आज गंगा जी बहकर आई तो उसी में आपकी नथ भी आ गई जिसे मैंने उठाकर रख लिया। इस कहानी के बाद कहना चाहिए कि जैसी बहू की आई सभी की आए, लेकिन जैसे सास की आई वैसे किसी की ना आए। कार्तिक माह की चौथी कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा वह एक बहू साथ रहते थे। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और एक महीना वहीं रहेगी। यह सुन उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ कर कुछ खा सके। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकाल कर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते तो बुढ़िया वह लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह पर एक आलीशान महल बनवा दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर दिया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में कहा कि अगले कार्तिक में मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। पूरे 30 लड्डू घी व बहुत सा मेवा डालकर अपनी माँ के लिए बना कर दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण कर उसके सामने बैठ जाते तो वह पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती कि इससे मेरा पेट ही नहीं भरा तो तुम्हें कैसे दूँ। उसका रोज का यही क्रम 30 दिन तक चलता रहा। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को डूकर बना दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर बहू ने भी अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहाँ देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस पर उसकी सास डूकर बनकर बैठी है। लड़के को देख हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया और पूजा पाठ किया, इसलिए ही तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा था। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है।
इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हुए हैं, जिससे यह डूकर बन गई। कहानी के बाद हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे, वैसे ही आप सभी पर बरसना।